पेज बना हुआ है, चाहे प्रोफाइल पे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे काम करते हो, उससे आप पैसा कमाना चाहते हो और आप एलिजिबल हो चुके हो मोनेटाइज करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पे आउट सेटअप करते वक्त आपको कौन सी वो गलती नहीं करनी है। और अभी कुछ अपडेट भी आया है, तो आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कहाँ क्या भरना पड़ता है। अगर आप गलती कर देते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी, पेमेंट आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि आपको कहाँ क्या भरना है, नहीं तो आपकी जो पेमेंट है वो अटक जाएगी। तो अगर आप फेसबुक से पैसा लेना चाहते हैं, आप अकाउंट में लेना चाहते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, तो आज की इस वीडियो को बस आप पूरा देख लेना कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। और कुछ अपडेट भी आए हैं, तो चलिए बताते हैं आपको कहाँ क्या भरना है। सबसे पहली आती है बैंक की बात कि आपको बैंक कौन सी डालनी है और क्या क्या उसमें भरना पड़ता है और कौन से हमको सेटअप करने चाहिए। यानी कि तीन मोड मिलते हैं अपन को, बैंक ट्रांसफर हो गया, वायर ट्रांसफर हो गया और पेपल हो गया। तो आपको $25 वाला नहीं करना है, यानी कि बैंक ट्रांसफर नहीं करना है। उसमें काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो पेमेंट है वो पेड ही नहीं हो रही है। तो आपको वायर ट्रांसफर पर करना है, उसमें आपका शिफ्ट कोड डलेगा, IFSC कोड नहीं डलेगा, आपकी जो बैंक डिटेल डलेगी यानी कि नाम डलेगा और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर डलेगा और शिफ्ट कोड डलेगा और IFSC कोड आपको नहीं डालना है, वो आपको बैंक ट्रांसफर में डालना पड़ता है। तो आपको बैंक ट्रांसफर नहीं करना है, आपको वायर ट्रांसफर करना है। वायर ट्रांसफर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो पेमेंट है टाइम टू टाइम आ जाएगी, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बैंक ट्रांसफर किया तो उसमें देखो आपकी पेमेंट आ सकती है नहीं आ सकती है, काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बैंक ट्रांसफर नहीं करनी है। अब बात करते हैं, आपको दो जगह टिक लगाना है, दो जगह आपको नो नो लगाना है, यानी कि दोनों जगह आपको नो लगाना है और एक जगह आपको जीरो पर आपको टिक लगाना है। तो यानी ये तीन आपको टिक लगाना है। अगली बात करते हैं कि आपको वहां पर सिग्नेचर क्या करना है। काफी लोग परेशान रहते हैं कि सिग्नेचर क्या करना है। लास्ट में ऑप्शन आता है टैक्स फॉर्म में, तो सिग्नेचर में आपको जो आपका नाम है फुल नेम वही आपको भरना है। अब काफी लोग ये भी परेशान रहते हैं कि जैसे कि हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, चाहे प्रोफाइल पर काम करते हैं, तो वो गलती क्या कर देते हैं कि पे आउट अपने फेसबुक नाम से ही सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है और वहां पर आपका कुछ और नाम है, तो काफी लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जो हमारी जो प्रोफाइल में नाम लिखा हुआ है तो वही भरना है या क्या भरना है। जो आपके डॉक्यूमेंट पर डला हुआ है वो आपको भरना है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर डला हुआ है वो आपको भरना है, जो आपके जैसे कि बैंक डिटेल में डला हुआ है वही आपको भरना है। बाकी आपको जो फेसबुक में डला है कुछ भी डला रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जीमेल की बात आती है कि जीमेल आपकी किसी भी नाम से बनी है तो जीमेल आपको डालना है, किसी भी नाम से बनी हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप जीमेल लगा सकते हैं। अगली बात आती है कि जैसे आप बैंक डिटेल डाल रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, तो आपकी जो पेमेंट है कितने तारीख को आएगी या क्या बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको शिफ्ट कोड आपको अच्छे से डालना है। शिफ्ट कोड कैसे खोजना है वो अभी आपको हम बता दें किस तरीके से आपको खोजना है। जैसे कि मान लीजिए आप SBI का डाल रहे हैं लेकिन आपके आसपास का या आपकी बैंक का आपको शिफ्ट कोड नहीं मिला है, तो आप ऑनलाइन सर्च करके भी आप डाल सकते हैं, अपने आसपास के जिले का भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके जिले का नहीं मिल रहा है या आपकी बैंक का नहीं मिल रहा है तो आप आसपास के जिले का भी डाल सकते हैं, बस आपका स्टेट एक ही होना चाहिए। जैसे कि UP का हो गया तो UP के किसी भी SBI बैंक का आप डाल सकते हैं, किसी भी जिले का डाल सकते हैं, या MP का हो गया तो MP के किसी भी SBI बैंक के जिले का आप डाल सकते हैं, शिफ्ट कोड चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक रहता है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड काफी परेशान रहते हैं कि पोस्टल कोड क्या है, तो पोस्टल कोड रहता है पोस्ट का कोड, यानी कि जो अपने आधार कार्ड में पीछे लिखा रहता है, यानी कि डाकघर का कोड वो आपको डालना है। अब बात करते हैं कि शिफ्ट कोड कैसे खोजना है, यानी कि अपने बैंक का कैसे खोजना है। तो चलिए यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप साइड में देखते जाइए, यहाँ पर हम सर्च करते हैं। देखिये हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। अब यहाँ पर हमको गूगल पर आना है, गूगल पर आने के बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है, देखिये शिफ्ट कोड हेंडर ये आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस पर आपको सर्च करना है, सर्च वाई शिफ्ट कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कंट्री चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए हम कंट्री चूज कर लेते हैं। ये चीज आपको बड़े ध्यान से करना है, अगर गलती हो जाएगी तो आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है, देखिए काफी सारी बैंक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम स्टेट बैंक का सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको सर्च करना है स्टेट अपना, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हमने डाल दिया। उसके बाद हमको सर्च करना है अपना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, सिटी। देखिए जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा या हमारी बैंक का कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर और भी जिले आ रहे हैं, तो जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर खजुराहो, जैसे कि हमने खजुराहो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रांच सिलेक्ट करना है अपन को, तो खजुराहो ही डाल देना है। खजुराहो डालने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आ चुका है शिफ्ट कोड, ये अपन को कॉपी करना है और सीधे अपन को पेस्ट कर देना है।
अगर आपकी बैंक का नहीं मिल रहा है, वहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, तो अपने आसपास का किसी भी जिले का आप डाल सकते हैं, बस स्टेट एक ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप शिफ्ट कोड डाल सकते हैं कि पोस्टल कोड में आपको पोस्ट कोड डाल देना है कि डाकघर का कोड डाल देना है, और बाकी जो मैंने बताया 2 नो करना है, 1 पर आपको 0 कर देना है, पूरा आपको पे आउट सेटअप कर देना है। तो आपकी जो पेमेंट है वो पेमेंट के लिए मैंने बताया बैंक ट्रांसफर आपको नहीं करना है, आपको वायर ट्रांसफर करना है। वायर ट्रांसफर आपकी जो पेमेंट है कभी अटकेगी नहीं, टाइम टू टाइम आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये चीज आपको करना है। अगर आप इस तरीके से पे आउट सेटअप करेंगे तो आपको कभी भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो पेमेंट है वो मंथ टू मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब बैंक की अगर बात करते हैं, बैंक वैसे कौन सी अच्छी रहती है, देखो SBI की सर्विस बहुत अच्छी है, यानी कि 2-3 दिन के अंदर अपने अकाउंट में आराम से आ जाती है। जैसे कि 21 को रिलीज होती है तो 22, 23, 24 तक अपनी जो पेमेंट है वो अपने अकाउंट में आ जाती है, अगर आपका वही और कोई बैंक में खाता है। लेकिन जो छोटी बैंक है या कोई ऐसा वॉलेट आपने अकाउंट खोल लिया ऑनलाइन, तो ये आपको नहीं डालना है, इससे आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आने वाली है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वॉलेट वगैरह नहीं डालना है कि आपने मोबाइल से खोल लिया वो डाल दिए, नहीं। आपको जैसे कि HDFC हो गया, कोटक हो गया या SBI हो गया, तो इस तरीके से आपको बड़ी बैंकों का आपको डालना है, तो आपकी जो पेमेंट है मंथ टू मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगी। और उसकी जो पेमेंट है $100 पर आती है, यानी कि $100 हो जाएंगे, यानी 8,000 के समथिंग आपके रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। $100 हो जाएंगे या $100 से भी ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी जो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैंने बताया कि 21 तारीख को रिलीज कर दी जाती है और 3 से 4 दिन के अंदर यानी कि 22, 23, 24 तक अपनी जो पेमेंट है अपने अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, जय हिंद।